हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी भी ले हैं और पीएमई दिशा का संचालन करते हैं तो आपकी भी आईडी डिसेबल हुई होंगी। तो दोस्तों, उसके बावजूद अगर आप आगे भी काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही रहेगा, क्योंकि साला बहुत सारी सीएससी आईडी पीएमई दिशा ने डिसेबल कर दिए, मगर हमारे बहुत सारे अभी वेली हैं जिनको लॉ ऑफ लेने की क्षमता अभी बरकरार है। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है, क्योंकि अगर आप आगे से काम करना चाहते हैं तो आपको क्या सावधानियां बरतनी है, क्या नहीं बरतनी है, उसी के बारे में आज वीडियो बताऊंगा। क्योंकि पीएमजी दिशा ने अभी थोड़ी देर पहले ही एक ट्विटर ट्वीट किया है, जिसमें सीएससी ने बताया है कि पीएमजी दिशा में रजिस्ट्रेशन करते टाइम क्या क्या सावधानी बरतनी है। मतलब फला बताया भी तो इतना लेट बताया कि ये चीजें, हालांकि पहले भी मैं कई बार वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, मगर पीएमजी ने कभी क्लियरली नहीं कहा था कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आज ट्विटर के माध्यम से पीएमजी दिशा ने एकदम क्लियर कर दिया है कि आपको रजिस्ट्रेशन टाइम क्या गलतियां करनी है, क्या गलतियां नहीं करनी है। क्योंकि बहुत सारे वेली हैं, वो अक्सर छोटी छोटी सी गलतियां हैं जिनको कर रहे हैं और वो रूल को एकदम तार तार कर दिए थे। तो पीएमजी दिशा का जो प्रोजेक्ट है उसमें कहीं ना कहीं हमारा, हम लोगों का भी हाथ है। खासकर मैंने भी बहुत सारे काम किए हैं पीएमजी दिशा में, तो अभी सारी प्रॉब्लम्स हैं, मगर अगर आप अभी भी लॉ सहने की क्षमता आप में है तो आगे काम करें। उसी का अपडेट है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, तो उसी के बारे में बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा नाम है जतिन और आप देख रहे हैं सीएससी परिवार। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, लाइक कर देंगे तो थोड़ा हम लोगों को वीडियो अच्छी अच्छी नॉलेज आपको देने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। दोस्तों, मैं अक्सर देखता रहता हूँ कि आप लोग उन वीडियो को सपोर्ट करते हैं जो थंबनेल में कुछ दूसरा लिखा होता है, वीडियो में कुछ दूसरा, और जेन्युइन कंटेंट भी नहीं होता है, सब ऐसे ही फॉरवर्ड मार देते हैं, उसके बाद भी आप लोग उन पे ढेरों व्यूज होते हैं। तो आप हम लोगों को भी सपोर्ट करें ताकि हम आपको एकदम जेन्युइन, में हमेशा आपको हमेशा जेन्युइन चीज ही बताता हूँ, कोई घुमा फिरा के चीजें नहीं बताता हूँ। जो चीजें होती हैं एकदम वो क्लियर ही चीजें मैं बताता हूँ दोस्तों। तो आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पर। तो दोस्तों, सीएससी ने अभी थोड़ी देर पहले ही एक ट्विटर हैंडल पे वहां पर ट्वीट जारी किया है, जहां पर उसने बताया है कि रजिस्ट्रेशन में क्या करना है, क्या कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है। तो मैं क्या ही सीएससी को बोलूं, जितना बोलूं ना उतना कम है कि सीएससी ने किस तरीके से वीएलियों की ले ली है। अब मैं क्या बताऊँ, कितनी आइडिया ब्लॉक कर दी है ऑल ओवर इंडिया से, सभी जगह की आइडिया ब्लॉक हुई है। और ये जो लेथन स्टार्ट हुई है, ज्यादातर वो महाराष्ट्र से स्टार्ट हुई है सीएससी आईडी ब्लॉक करने का। तो आप अगर वीडियो मेरा हमेशा देखते हैं तो आपको भी पता होगा, मैंने पहले भी इन टॉपिक को बताया था कि आइडिया वहाँ पे महाराष्ट्र से मत चलाइए, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। मगर अगर देखा जाए तो हिसाब पे ठीक भी हुआ, नहीं भी हुआ, क्योंकि पीएमजी दिशा के इतने ज़्यादा ठेकेदार आ गए थे क्षेत्र में कि क्या ही बताऊँ। मतलब हर एक वेली एक ठेकेदार हो गया था पीएमजी दिशा का। महाराष्ट्र से आईडी अप्रूवल हो रही हैं, करवाते रहो, ग्रुप खेल रहे थे, इतने में आईडी अप्रूवल कराओ, 2000 में, 3000 में, 5000 में आईडी अप्रूवल हो रही थी, एफएफजी व्हाइट लिस्ट हो रहा है। मतलब पूरा स्टेट महाराष्ट्र में इतना गंदा काम हुआ है ना कि मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। मतलब कि एक हद पार कर दी थी, मतलब एक फ्रॉड लेवल की हद पार हो गई थी। यूपी वाले, बिहार वाले महाराष्ट्र में घुसे जा रहे हैं, तो क्या होगा? या यही किसी, तो आईडिया तो ब्लॉक होंगी ना अगर आप अदर स्टेट में जाएंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम तो आइडिया इस वजह से पकड़ी जा रही थी वहाँ की, महाराष्ट्र में सरनेम साथ में होता है और यूपी और बिहार में सरनेम वगैरह कुछ नहीं होता। जैसे कि मान लो कि सीमा देवी किसी औरत का नाम है, तो महाराष्ट्र में अगर होगी तो उसके पति का भी साथ में नाम होगा, जैसे सीमा देवी राम गोपाल, ये पूरा नाम होता है वहाँ पे। तो सरनेम अब अदर किसी स्टेट में होता नहीं महाराष्ट्र के अलावा, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पकड़ी गई आइडियाँ। और एफएफजी, एफपीएफ, एफपीओ, टीसी, मतलब वो डायरेक्ट स्टेट वालों ने ही सबसे ज्यादा लेखन करी है वहाँ पे। तो अब होगा तो प्रॉब्लम तो होगी, अब क्या कर सकते हैं। उसके चक्कर में ना अदर स्टेट वालों की वाट लग गई। अब मैं क्या बोलूँ, मतलब बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मतलब इन यूपी वाले तो पहले भी जा चुके थे, उनकी भी आइडिया डिफेबल हुई दो राउंड में, अभी जब आइडिया डिफेबल हो गई तो ये बहुत सारा लेखन हो गया। मगर हमारे, अगर अभी भी आप काम कर रहे हैं तो मैं क्या बताऊँ, मगर मेरे हिसाब से अभी आप करीब एक महीने काम रोक दें तो अच्छा रहेगा। मगर आप फिर भी अगर इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ सावधानियां हैं जो मैं आगे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, एक एक पॉइंट। वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक जरूर कर देना दोस्तों, तो आपको स्किप मत करना, तो आपको एक एक स्टेप आपको बराबर समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो एक ट्विटर है, ट्विटर पे जो पोस्ट है मैं उसको पढ़ता हूँ आपको। तो
यहाँ पर पीएमजी दिफा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड दिया है कि डू मतलब क्या आपको क्या चीज करना है, रजिस्ट्रेशन ओनली बेनिफिशरी फ्रॉम ईच हाउस होल्ड। इसका मतलब ये कहा गया कि प्रत्येक घर से केवल एक लाभार्थी का ही रजिस्ट्रेशन करना है। हालांकि ये इतना बड़ा इशू नहीं, आप कर सकते हो, वो बताऊंगा अभी, मैं ट्रिक बताऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है, वो वाली भी बात में लास्ट में आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि एक घर पे कितने रजिस्ट्रेशन करना है। मगर ये चीज पहले भी पीएमजी दिफा ने मतलब ऑफिशियली तौर पर नहीं कहा था, मगर टिकट वगैरह जनरेट करो तो वहां पे कहा गया था कि मतलब केवल आपको एक घर पे मतलब एक फैमिली पे एक ही व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन करना है, मतलब पूरा हाउस होल्ड का रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। फिर उसके बाद एक दूसरा कहा गया बेनिफिशियरी शुड बी डिजिटली लिटरेसी एंड स्टूडेंट ऑफ सेम ग्राम पंचायत। उसने कहा कि लाभार्थी डिजिटली रूप से जो अनपढ़ हो मतलब इलिटरेट है और उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। मतलब अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वो निरक्षर हो, पढ़ा लिखा ना हो, स्मार्टफोन चलाना ना जानता हो। देखिए यहाँ पे बेसिक फोन और रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको बेसिक फोन ही भरना है दोस्तों। अगर आप वहाँ पे स्मार्टफोन भर रहे हैं तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट हमारा पढ़ा लिखा है, तो बेसिक फोन ही आपको भरना है, स्मार्टफोन ना भरना तो बेटर रहेगा। एक दो में भर दोगे अलग बात है, बट आपको बेसिक फोन ही भरना है। तो आपको जो निरक्षर है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको आपको कंप्यूटर के बारे में बताना है। अब आप सोच लो कि जो निरक्षर होगा उसको कंप्यूटर आप क्या ही बताएंगे, तो मतलब पीएससी का प्रोजेक्ट बनाने वाले भी अलबेले वाले कुछ भी बना दे रहे हैं। अब बताओ जो निरक्षर होगा जिसको पढ़ा लिखा नहीं है उसको कंप्यूटर में कीबोर्ड में एबीसीडी कैसे दिखाओगे, टाइपिंग कैसे बताओगे, एबीसीडी क्या है क्या ही बताएं। इसमें या तो ये कह देते कि जो कंप्यूटर से निरक्षर हो तब तो ठीक भी है, अब वाला जो निरक्षर है उसको आप उसमें कैसे समझाओगे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि उसको कैसे, तो देख लेना मतलब पीएमजी क्या भाई पागल हो चुकी है, मैं क्या ही बताऊं अब कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं, यही समझिए। उसके बाद इसमें और दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने कहा है गेट द डाटा ऑफ सच कैंडिडेट्स वेरीफाइड एंड सिग्नेचर बाई द हेड ऑफ ग्राम पंचायत। और देखिए इसमें कहा गया है कि लाभार्थियों के जो नाम हैं मतलब लाभार्थियों का जो आप ग्राम पंचायत डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे उसमें ग्राम पंचायत के प्रमुख मुखिया या सरपंच का प्रधान ही सत्यापित करेगा, सत्यापित हस्ताक्षरित होना चाहिए। अभी क्या हुआ था ना, देखो पीएससी को भी पता है कि आप लोग किस तरीके क्या जुगाड़ कर करके अपने ग्राम पंचायत डॉक्यूमेंट बनाया है। मतलब ग्राम पंचायत डॉक्यूमेंट्स एक स्क्रिप्ट के द्वारा आप तो बना ही रहते कुछ लोग, मगर कुछ ऐसे ठेकेदार भी थे जिन्होंने मोहर लगाने तक कभी ठेका ले लिया था और वो ग्रुप ग्रुप खेल रहे थे। तो अब ग्रुप में कुछ सीनियर अधिकारी भी जुड़े हुए हैं, मतलब बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो आपको सोचना चाहिए अगर कोई चीज़ बड़े लेवल में होने लगती है तो वो बंद ही हो जाती है हमेशा, चाहे ऑटो एग्जाम हो, चाहे टाइपिंग टेस्ट हो, पीएमजी की जो भी पार्ट का टीका है, जब वो ग्रुप ग्रुप चलने लगी है बड़े लेवल पे होने लगा है तो वो हमेशा बंद कर दी जा रही थी। तो यही हुआ इसमें भी। तो ग्राम पंचायत अब आपको जिनवन बनाना है मतलब प्रधान से मोहर लगवाना, हालांकि इतना बड़ा इशू नहीं है, कर सकते हो, मगर ग्राम पंचायत को पता होना चाहिए कि कभी भी ये लोग कॉल कर सकते हैं। तो मतलब ग्राम पंचायत से आपकी पीएससी पीएमजी है, सेम ग्राम पंचायत से पीएससी पीएमजी है उसी में काम कीजिएगा, वरना फिर डिसेबल करेंगे ये लोग पहले। तो अगर ग्राम पंचायत और ये दोनों चीजें सेम है तो आप आगे काम करिए, वरना मत काम करिए, अभी बता दे रहा हूँ, नहीं तो फिर प्रॉब्लम भी हो जाएगी, क्योंकि एक एक राउंड अवे और लगेगा डिसेबल आईडियों का। तो प्रधान को जरूर पता होना चाहिए कि आपने क्या किया है, वो मैं बताऊंगा कि प्रधान को कैसे बताना है और इस प्रोजेक्ट को आप कैसे रन कर सकते हैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। बस अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, इससे हम लोगों को थोड़ा रीच बढ़ता है। तो अगला इन्होंने ये कहा है, अगला स्टेप इनका है इंटर करेक्ट डिटेल्स ऑफ ऑल कैंडिडेट्स। मतलब इन्होंने कहा है कि जो भी कैंडिडेट्स का आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसकी जो डिटेल्स है उसको एकदम आपको सही भरना है, मतलब सभी लाभार्थियों का सही सही विवरण दर्ज करना है। अभी तक क्या कर रहे थे सभी मिली, कुछ मिले तो इतने महान थे कि उन्होंने ऑटो फिल लगा के रखा था, माता पिता और के नाम मोबाइल नंबर वगैरह सबके फ्रेम जा रहे थे, मतलब ऑटो फिल लगाए जस्ट जल्दी रजिस्ट्रेशन के चक्कर में। हालांकि ये पहले काम कर रहा था, वही तो मैं कह रहा हूँ, मतलब अगर ज्यादा लेवल पे हो जाएगा तो प्रॉब्लम तो स्टार्ट हो जाएगी। तो वही हुआ, मतलब पहले ये चीजें काम कर रहे थे अच्छे से कि ऑटो फिल लगा लो और सब एक चीज में डाटा जैसे आप रजिस्ट्रेशन में बढ़ जाएंगे आगे तुरंत ही अपने आप से भर जा रहा था। तो माता पिता के अगर नाम आपके फेम हो गए तो मान लो आपका जो पेमेंट है वो मर जाएगा प्रेजेंट टाइम पे। तो ये चीज एकदम ध्यान रखें, ऑटो फिल का यूज ना करें और ज्यादा हो सके सॉफ्टवेयर का भी यूज ना करें, मैनुअल कराएं, नहीं तो पीएमजी में घाटा लग जाएगा आप लोगों को। अब इन्होंने इतने सारे इंट्रो दिए हुए हैं,
उसके बाद जस्ट इन्होंने कहा है कि डू नॉट, मतलब क्या क्या ना करें। तो अब देख लेते हैं कि इन्होंने और क्या कहा है कि मतलब कौन से शॉर्टकट आपको नहीं अपनाने हैं, तो उसके बारे में बता देते हैं। डू नॉट रजिस्टर मोर देन वन बेनिफिशियरी फ्रॉम ए हाउस होल्ड, मतलब वही मैंने अभी बताया अभी आपको पीछे कि एक घर से अधिक लाभार्थी का पंजीकरण ना करें। एक घर का मतलब यह है कि जैसे एक पिता के चार संतानें हैं तो चार संतानों में से सिर्फ एक का ही रजिस्ट्रेशन करना है, एक का, वो मैं अभी बता दूंगा कि कैसे करना है, सभी का कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, टेंशन मत लो, लास्ट में बता दूंगा। तो ये तो कहा गया है कोई नहीं फॉलो करेगा। फिर जब उसने ये कहा है डू नॉट इंटर इनकरेक्ट मदर एंड फादर नेम ड्यूरिंग बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, उसने साफ साफ ये कहा है कि माता पिता का जो नाम है उसको गलत आपको एंटर नहीं करना है, अगर आप गलत एंटर करते हैं तो आपका पैसा काट लिया जाएगा या PMGDFI ID बंद कर दी जाएगी। तो इसका भी सोल्यूशन जस्ट मैं बताऊंगा आगे वीडियो पे है। और फिर उसके बाद अगला स्टेप इन्होंने कहा है डू नॉट रजिस्टर्ड बेनिफिशियर फॉर अनदर ग्राम पंचायत ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट स्टेट। देखिए आगे ना वही बात कि इन्होंने कहा है कि किसी अन्य ग्राम पंचायत या ब्लॉक जिला राज्य से लाभार्थी को पंजीकरण ना करें। सीधी सीधी बात इन्होंने कहा है कि केवल जहां पे CFC और PMG आपके अप्रूवल है केवल उसी ग्राम पंचायत में आपको सेंटर प्लस वहां के लोगों को का ही रजिस्ट्रेशन करना है, उन लोगों का को ही एजुकेट करना है आपको। अगर आपने किसी अन्य ग्राम पंचायत ब्लॉक राज्य, अब आपको तो क्या ही बताऊं, सब तो जानते हो कि कहां कहां आइडिया चल रही थी, तो आप तो अछूते तो हो नहीं, तो इसको पापा मना कर दिया है। तो इस चीज का ध्यान रखें, हालांकि ये चीज पकड़ी नहीं जाती है बट पकड़ भी सकते हैं, क्या कह सकते हैं। तो ये तो रही इनकी जो इन्होंने जो बात कही है रजिस्ट्रेशन टाइम कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इन चीज़ों को आगे जो भी वेरी है वो फॉलो करें। अब हम बात करेंगे कि जो मैंने कहा था आपको कि लास्ट में मैं बताऊंगा, तो उन चीज़ों को बताते हैं कि शॉर्टकट तरीके से मतलब क्या क्या चीज़ें इनका क्या तोड़ निकाला जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है। तो यहाँ पर हाँ इन्होंने देखिए कहा है कि प्रत्येक घर पे केवल एक पंजीकरण का रजिस्ट्रेशन करना। तो देखिए एक फैमिली का मतलब है कि जब दो तीन लड़के हैं, मान के चलिए तीन लड़के हैं एक फैमिली में, तो आप तीनों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं मगर एक फर्द पर कर सकते हैं, मतलब वाइफ हो गई और उनके मतलब माता और पिता और तीन लड़कों का, जैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है फैमिली में पाँच लोग हैं तो पाँच का रजिस्ट्रेशन करना है, तो सबसे पहले अगर आपने वाइफ का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें पिताजी का नाम और उनके माता का नाम, मतलब वाइफ के मतलब उनके जो भी फैमिली में होगी जो भी होगी उनके उनका उनका डिटेल्स आपको देना है, तो वो चीज़ें पकड़ में नहीं आ पाएगी कि हाँ किस फैमिली से हैं ये, क्योंकि जो भी वुमेन रहेगी उसके पिताजी और माताजी का नाम उससे पूछ करके डालें तो वो पकड़ में नहीं आएगा। उसके बाद जब उनके पति का मतलब जो फैमिली का मेन मुखिया है उसका जब आप भरेंगे तो उसमें भी उसके पिता और माता का नाम डालें, तब भी वो पकड़ नहीं पाएंगे कि पिता माता ये फैमिली अलग अलग है और ये अलग अलग है, क्योंकि आधार में कोई ऐसी फैसिलिटी दे ही नहीं गई है कि आप उस फैमिली को मैच कर सकें या माता पिता को पहचान सकें, तो उनके माता पिता का नाम अलग हो जाएगा। अब रही तीन बच्चों की बात, अगर आपको तीन बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको सिंपली ये करना है कि एक बच्चे का जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें करेक्टली माता पिता का नाम डाल दें, जैसे आप डाल देंगे तो एक तो एकदम करेक्ट हो गया। अब जब तुम दूसरे का रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको माता और पिता का नाम चेंज कर देना है। अब चेंज करने का मतलब है इन द सेंस अपने हिसाब से ही डालना पड़ेगा अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप अगर नहीं डालोगे सेम हो गया तो फिर आपकी पेमेंट रुक जाएगी। तो जब तीसरा बच्चा होगा उसमें भी आपको माता और पिता का नाम चेंज कर देना है, वो आप अपने हिसाब से डाल देंगे, क्योंकि बस एक चीज प्रॉब्लम आपको तब आएगी जब आप सर्टिफिकेट अगर आप देने जाएंगे तो फिर दिक्कत आएगी, अगर नहीं देते हैं तो वैसे कहाँ देते हो यार तुम लोग, तो अगर देते हो तो फिर पहले से पहले उसको एडिट कर लेना, फोटो आप तो जानते हो कि कोई चीज़ होती है तो उसको एडिट कर लोगे यार सब लोग, तो ये हो जाएगा आपका। तो आप एक फैमिली में रजिस्ट्रेशन मैंने बता दिया कर सकते हो, और फिर अगर मुखिया के माता पिता के हैं तो कर ही सकते हो, उनका तो अलग ही फैमिली हो जाती है, तो एक फैमिली जितनी होती है वो कर सकते हैं। हाँ और इसमें ये कहा गया कि लाभार्थी पंजीकरण के दौरान माता पिता का नाम गलत नहीं होना चाहिए, तो अभी मैंने बताया ही कि क्या होना चाहिए, तो कोई टेंशन नहीं है, माता पिता का नाम कोई वहाँ पे मैच नहीं कर पाएगा और ना ही कोई प्रधान से जाके पूछेगा और ना ही अगर स्टूडेंट के पास फोन भी करेगा तो कुछ ना कुछ तो मैच ही करेगा। अब सारे पे मतलब कहते हैं ना दाल में नमक के बराबर अगर आपको फ्रॉड करेंगे तो चल जाएगा, अब आप सारे का चेंज कर दोगे तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि ये लोग कॉल वेरीफिकेशन भी कर रहे हैं, वेरीफिकेशन किए भी हैं,
तो ये लोग कर सकते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा काम जो है लिमिट में होगा तो कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, ये लोग कॉल कर भी सकते हैं, हायर कर सकते हैं, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। और किसी अन्य ग्राम पंचायत ब्लॉक जिला स्तर में लाभार्थी को पंजीकरण ना करें, इन्होंने कहा कि मतलब और कहीं भी आईडी आप मत चलाएं। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप स्टेट ना चेंज करें, स्टेट चेंज करने जाते हैं तो यही समस्या हो जाती है कि एक्चुअल जो जनजाति है, अगर दूसरे स्टेट के जो नाम हैं, अब यूपी के नाम कैसे होते हैं, राम कुमार, श्याम कुमार, और अब तमिल में कटियप्पा, और ये सारी चीज़ें मतलब एकदम नाम एकदम चेंज अगर हो जाएंगे तो पकड़ में आ ही जाएगी, आप लोगों को भी पता है। अगर अब यूपी का जैसे बिहार में चला रहा हो चल जाएगा, बिहार को यूपी में चलाओ, झारखंड में चलाओ चल जाएगा, उधर एमपी में चलाओ, इनके नाम मैच करते रहते हैं आपस में, तो वो जो नाम आपस मैच करते हैं वो चल जाएगा, क्योंकि मतलब आधार में पीएमजी दिशा के पास ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ट्रैक कर सके कि ये स्टूडेंट कहाँ का है, एड्रेस ट्रैकिंग का अभी इनके पास कुछ नहीं है, तो टेंशन मतलब अभी काम हो जाएगा। बस ये है कि ज़्यादा महाराष्ट्र वाली फिर बचे महाराष्ट्र में, क्योंकि वहाँ फर नेम लगा होता है, वो आइडिया बाहर मत चलाए, नहीं तो फिर मान के चलिए आपको प्रॉब्लम्स तो हो ही जाएगा। तो महाराष्ट्र वाली फिर आइडिया में बचे रहिए तो प्रॉब्लम्स नहीं होगी, अगर महाराष्ट्र का है तो महाराष्ट्र में ही रजिस्ट्रेशन कराएं तब तो ठीक है, तब आप काम कर सकते हो, बाकी और बाकी कोई टेंशन मत लो। बाकी चीज़ें अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे को पर्सनली कॉल भी कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, व्हाट्सअप लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाकर के आप मुझे डायरेक्टली अगर कोई इशूज़ है आपके कर सकते हैं। बाकी आपके लिए तो मैं हुई, तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए, धन्यवाद।